crazy fans subscribe and support for latest shows and news. On my page, that is RJ Haya Official. चलें जी, मैंने आपकी कहने के मुताबिक बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा लगा लिया था. खैर, ये थोड़ा सा चेंज है, करेंगे कि जी थोड़ा थोड़ा चंग मैं जरूर शामिल करती हूँ ताकि आप सब भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ. वैसे 12 बजे तक मैंने ऑन वीडियो रहना था और उसके बाद मैंने आपसे इजाजत चाहनी. एसन शबीर ने हमें जैन के कहते मुखड़े थे दिल काला, काले जे लिबास दी शौकीन कुड़ी, दूर दूर जाए मेरे काले रंग तो. अबीरा मलिक, ये एसन शबीर की पोइट्री के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? चले नेक्स्ट पोइट्री करनी थी जी. अफशीनाज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग. मस्ती विद मलिक, आपका शुक्रिया. आमिर शाह, थैंक यू सो मच. रियाज मिराली बेवस कहते हैं आज मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है. सूरज नाजीर, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर से हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच. हम ऐसे करते हैं, असद इकबाल की पोइट्री पढ़ते हैं. अबीरा मलिक, अभी तो नाम लिया आपका, आप नजर आ रही है मुझे. हाँ, आपकी आपका जो चेहरा है ना, वो थोड़ा धुंधला आ रहा है, थोड़ा करीब आ है, वो दूर जाके खड़ी हुई नहीं है, मैं आपको नजर नहीं लगाऊंगी. अच्छा, असद इकबाल की पोइट्री शामिल करते हैं. इससे पहले असद इकबाल ना रोना शुरू कर दे, यहाँ पे वो गायब हो गई है, पता नहीं कहीं दबी हुई है, ये आ गई है. कहते हैं कि मुझे बेदार कर दो ना, मैं जरा इसको ऊपर ले आती हूँ और पोइट्री आपकी बैकग्राउंड के साथ शामिल करते हैं. ओके. कहते हैं मुझे बेदार कर दो ना. असद इकबाल मुगल कहते हैं मुझे बेदार कर दो ना, मुझे अब भी ये लगता है कि तेरी जागती आंखें मेरे सपनों में सोती हैं, मेरी कुर्बत को ना पाकर हर एक पल वो रोती हैं. मुझे अब भी ये लगता है बहुत ही दूर बैठे भी मुझे ही सोचती होगी, किसी दिलकश सितारे में मुझे ही खोजती होगी. जो जुगनू दूर जाते हों इन्हें भी रोकती होगी, मुझे अब भी ये लगता है ख्यालों के सभी मौसम बिना बादल के आते हैं. जो रास्ते साथ काटे हों वही मंजिल दिलाते हैं, मगर तन्हा चला था मैं, मगर तन्हा चला था मैं तो मंजिल से गिला कैसा, जो बोया था कभी मैंने पाया है समर वैसा. मुझे अभी ये लगता है कि मेरे याद के कुछ फूल अभी भी तेरे आंगन में बहुत खुशबू उड़ाते हैं, तेरी बेचैन आंखों का मुझे किस्सा सुनाते हैं. मुझे अब भी ये लगता है कि फानी जिंदगानी में तेरी मेरी कहानी में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत से मोड़ आएंगे, हमें वापस बुलाएंगे और हम तुम लौट आएंगे. मुझे अभी ये लगता है वो सारी अनकही बातें हमें मालूम होंगी, जब फसाना राह बदलेगा सभी अल्फाज के लहजे बहुत मासूम होंगे. जब जो शिकवे दरमियां ठहरे वो ये लगता है कि तेरी जागती आंखें मेरे सपनों में सोती हैं, मगर लगने और होने में बहुत सा फर्क होता है. मुझे बेदार कर दो ना, मुझे अब भी ये लगता है
That was nice. जी, ये बहुत अच्छी पोइट्री थी जो कि हम साथ शेयर हुई है. इसके अलावा क्या क्या आया हुआ है? कबीर कहते हैं, अदावतें थी तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी. बिछड़ते वक्त इन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो कभी किसी को सुनाई ना थी. किसे पुकार रहा था वो डूबता हुआ दिल, सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई ना थी. That was nice. अच्छा, ये कौन है? काशिफ फ्रॉम कलर सईदा. तेरी रजा में राजी हूं ए खुदा, लेकिन वो शख्स मेरे साथ रहता तो कितना अच्छा होता. That was nice. कहते हैं, मुझे तुम अपनी मोहब्बत का सहारा दे दो, तुम हो साहिल मौजों का किनारा दे दो. वो पल के जिसके लिए मेरी आंखें तरसती हैं, वफा के नाम पे वो दिलनशीं नजारा दे दो. ये जो खामोश सा बैठे है सीने में दिल, कम से कम इसको धड़कने का इशारा तो दे दो. उफक के पार नजरों से जो ओझल है, मेरे अल्लाह किस्मत का वो सितारा दे दो. कसम खुदा की मोहब्बत के तलबगार हैं हम, नकद नहीं तो उधारा दे दो. वो एक खत जिसमें नीचे लिखा हो फकत तुम्हारा दे दो, और वो हंसी जिससे आंखें भी मुस्कुराती थी तुम्हारे पास है उधारा दे दो. It was nice. कलर सईदा से काशिफ. जामिया सलाफिया सेक्टर H8-1 इस्लामाबाद से एम फहीम अब्दुल वहीद, आप वहां पे होते हैं अभी भी? अच्छा, तो खुश आमदीद. सलाफिया, जामिया सलाफिया से हैं. मेरी तरफ से बहुत सी दुआ आपके साथ. मैं आपकी अरबी की वजह से आपका फैन हूँ. अरबी तो आपकी अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए, और होगी भी क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे मौजूद हैं. और मेरा ताल्लुक एक मदरसे से है, इस्लामाबाद में मौजूद हूँ. एम फहीम अब्दुल वहीद. चलिए जी, माशाल्लाह, और बिल्कुल आपकी दुआओं की भी हमें जरूरत है. बस अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और बल्कि सब हम सबको याद रखिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया है हमारे साथ. अच्छा, इसके अलावा जी, मलिक अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. Here you belong to Kashmir. किसी ने पूछा तुम्हारा शौक क्या है, मैंने हंस के कहा भूल जाने वालों को मोहब्बत से याद करना. जीशान खटक और कहते हैं, do you belong from Kashmir? जी बिल्कुल, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर से आए हैं. और लोग कहते हैं कश्मीर जन्नत है. तो जी, अबीरा मलिक, कैसी हैं आप? मैं आपको देख चुकी हूँ, इतनी दफा आपके मैसेजेस भी पढ़ चुकी हूँ. अच्छा, फरहाद खान कहते हैं, बिल और चार्जर किसी को ना दो, जला के लोग वापस कर देते हैं.
आपका दिल जल चुका है क्या? हया खान अपनी फेवरेट पोइट्री सुना दे। हया खान अपनी फेवरेट पोइट्री कौन सी सुनाए? मुझे याद नहीं आ रही है, लेट मी चेक, कहीं पे मैंने लिखी हो। हया खान अपनी फेवरेट पोइट्री, वैसे तो मेरी फेवरेट पोइट्रीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अब वो मॉम का घर वाले सुना दो। मॉम का घर, मॉम का दिया कुछ मॉम का दिया तो ड्रामा नहीं है, आई थिंक सो। मॉम का दिया, लेट मी चेक, मॉम का दिया, मॉम का घर, समथिंग ऐसी है। आप लोग मदद करें मेरी, मॉम का दिया था या मॉम का घर था? मॉम का दिल नहीं था, मॉम का दिल होगा, मॉम मोहब्बत, मॉम का दिया है। अब मुझे बताए या मैं भूल गई हूँ ना, दिल मोहब्बत मोम का दिया है। मोम का घर है। एक बदगुमानी की कहीं उसको ना पता नहीं क्या कर जाए, मोहब्बत मोम का दिया है। मोम का घर है। कुछ चेक करें, मोम का कुछ आ रहा है। मोहब्बत मोम क्या है? मोम अब ये सारी मस्ती अबीरा की है, जिन्होंने मुझे कहा अपने फेवरेट पोइट्री सुना दे और मैं मोम पे अटक गई हूँ जाके। अच्छा पहले मैं आपको बैकग्राउंड सुनाती हूँ और सामने हंसती हूँ इस बात पे। मोहब्बत मोम का दिया है, घर है। कोई मेरी मदद करे इस हवाले से। सिर्फ 10 मिनट्स मेरा और आपका साथ रहेगा, सिर्फ 10 मिनट्स का मजीद और साथ हमारा रहेगा। अच्छा जी, मोहब्बत मोम का घर है या मोम का दिया है, जल्दी से मुझे बता दें। हमसे भागा ना करो। ये भी अबीरा की वजह से खांसी आई है मुझे। मोहब्बत मोम का दिया है या घर है? चलें एसएन शबीर की ये पोइट्री शामिल कर लेते हैं। मोहब्बत मोम मोहब्बत का दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहब्बत मोम का दिया है, हलेश इस बदगुमाने की पता नहीं कहीं। लेट मी चेक, वो कहती है सुनो जाना। याद आ गई है पोइट्री मुझे, मोहब्बत मोम का घर है। ये सारा कुछ अबीरा की वजह से हुआ है। अबीरा ने मुझे कहा कि आप अपनी पसंदीदा पोइट्री सुनाएं। मुझे एक ये पोइट्री पसंद है, लेकिन मैं मिक्स कर गई, मोहब्बत मोम का दिया है, मोम का घर है या क्या है, तो वो याद आ गई मुझे। लेकिन ऐसे करते हैं, हम पहले एसएन शबीर वाली पोइट्री शामिल कर लेते हैं, ये ना वो रोना शुरू कर दे बच्चों की तरह। अच्छा एसएन शबीर कहते हैं, हमसे भागा ना करो, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, खुद बहुत नींद सी आंखों में घुली जाती है, महकी महकी है शब, महकी महकी है शबे गम तेरे बालों की तरह। तेरे बिन रात के हाथों पे ये तारों के आयाख, खूबसूरत है मगर जहर के प्यालों की तरह, और क्या इससे ज्यादा कोई नरमी बरतूं, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह, गुनगुनाते हुए और आ कभी इन सीनों में, तेरी खातिर जो महकते हैं शवालों की तरह।
Thanks for watching and subscribe to our channel.